हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आज का हमारा एमसीक्यू का सीरीज है कंसाइनमेंट अकाउंट पे। हमारा पहला क्वेश्चन है इन कंसाइनमेंट अकाउंटिंग, कंसाइनमेंट मींस कंसाइनमेंट में क्या, कंसाइनमेंट का मतलब क्या होता है? कंसाइनमेंट अकाउंटिंग में उसका मतलब होता है गुड्स सेंड बाय ओनर टू हिज एजेंट फॉर द पर्पज ऑफ सेल। कंसाइनमेंट सेल में क्या होता है, कंसाइनर क्या होता है, अपने गुड्स को एजेंट को भेजता है किस पर्पज के लिए? सेल के पर्पज के लिए। हमारा दूसरा क्वेश्चन है गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट शुड बी डेबिटेड बाई कंसाइनर टू। कंसाइनर जब गुड्स भेजता है कंसाइनी को तो वो कौन सा अकाउंट डेबिट करता है? वो करता है हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होता है? कंसाइनमेंट अकाउंट जस्ट लाइक ए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट की तरह ही होता है। उसमें हम क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं। कंसाइनर इज द, कंसाइनर क्या होता है? प्रिंसिपल होता है, क्रिएटर होता है, डेटर होता है, या नन ऑफ अबव होता है? तो कंसाइनर क्या होता है हमारा? प्रिंसिपल। और कंसाइनी क्या होता है हमारा? कंसाइनी होता है हमारा एजेंट। तो प्रिंसिपल क्या, प्रिंसिपल ये कंसाइनर है और ये कंसाइनी है। तो कंसाइनर क्या करता है, अपने गुड्स को भेजता है कंसाइनी को किस पर्पज के लिए? सेल के पर्पज के लिए। तो इसीलिए कंसाइनी को क्या बोलते हैं हम, दूसरा एजेंट बोलते हैं। एजेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो क्या लेता है, कंसाइनर से कमीशन लेता है किसके, गुड्स सेल करने की। इन कंसाइनमेंट अकाउंटिंग कंसाइनमेंट इज नेचर ऑफ, कंसाइनमेंट किस तरह का नेचर है? नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, या नन ऑफ देम? तो ये नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया था कंसाइनमेंट किस नेचर का है, किस लिए हम कंसाइनमेंट अकाउंटिंग करते हैं? प्रॉफिट करने के लिए। तो प्रॉफिट और जितने भी लॉसेस होते हैं वो किस तरह के होते हैं? नॉमिनल नेचर के होते हैं। इन कंसाइनमेंट अकाउंटिंग कंसाइनी अकाउंट इज नेचर ऑफ रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नन ऑफ दीज। कंसाइनी अकाउंट कौन सा होता है? तो कंसाइनी अकाउंट होता है हमारा पर्सनल अकाउंट, क्योंकि ये किसी पर्सन का अकाउंट है। कंसाइनी क्या है, एजेंट है, वो एक पर्सन है, इसलिए ये क्या है, पर्सनल अकाउंट। बैलेंस ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट इंडिकेट्स, जो हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट होता है उसमें जो बैलेंस होगा वो क्या इंडिकेट करेगा हमें? अभी मैंने जैसे बताया कि हम कंसाइनमेंट अकाउंट किस लिए करते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया जाता है, जस्ट लाइक ए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसलिए इसमें क्या आएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर इन द बुक्स ऑफ, जो हम गुड्स कंसाइनमेंट में भेजते हैं वो अकाउंट किसकी बुक्स में हम प्रिपेयर करते हैं? तो करते हैं हम कंसाइनर की बुक्स में। डेल क्रेडर कमीशन इज अलाउड व्हेन, डेल क्रेडर कमीशन हम कब देते हैं? तो डेल क्रेडर कमीशन हम देते हैं टू बियर द बैड डेट ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट सेल, कि कोई भी बैड डेट ना हो उससे हम क्या देते हैं कंसाइनी को, डेल क्रेडिट कमीशन देते हैं। कंसाइनी सेंड्स टू कंसाइनर, कंसाइनी कंसाइनर को क्या भेजता है? परफॉर्मा इनवॉइस, सेल्स अकाउंट, परचेस इनवॉइस, या अकाउंट सेल? तो कंसाइनी भेजता है अकाउंट सेल कंसाइनर को। और कंसाइनर क्या भेजता है? कंसाइनर तो परफॉर्मा इनवॉइस कंसाइनर भेजता है, कंसाइनी क्या भेजता है? अकाउंटिंग सेल। अकाउंटिंग सेल जितने भी खर्चे कंसाइनी ने किए होंगे वो सारे खर्चों का क्या है, डिटेल किसको भेजेगा वो, कंसाइनर को। ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंसाइनी फॉर रिसीविंग एंड सेलिंग द गुड्स, जो कंसाइनी ने जितने भी खर्चे किए हुए हैं मेटेरियल को रिसीव करने से लेकर और बेचने तक, तो वो किसकी बुक्स में इनकर्ड होंगे, या कैसे कंसाइनी लेगा उन्हें? आर रिकॉर्ड बाय द कंसाइनी फ्रॉम द कंसाइनर, कंसाइनी क्या करेगा, कंसाइनर से वो सारे खर्चे रिकवर करेगा। जितने भी खर्चे कंसाइनी ने किए होंगे कंसाइनमेंट सेल में वो सारे खर्चे कंसाइनी कंसाइनर से रिकवर करेगा, क्योंकि ओवरऑल ये सारा खर्चे किस लिए किए हुए हैं, सेल के लिए, और वो सेल किसकी हो रही है, वो कंसाइनर की सेल हो रही है। इसीलिए कंसाइनी जितने भी खर्चे करेगा कंसाइनमेंट सेल में वो सारे कंसाइनर से रिकवर करेगा। परफॉर्मा इन्वेस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द, परफॉर्मा इन्वेस्ट कौन बनाता है? सेलर बनाता है, कंसाइनर बनाता है, अकाउंट सेल्स और कंसाइनी।
तो कंसाइनर बनाता है। परफॉर्म एमएस कम बनता है जब कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स बेचता है फॉर द पर्पज ऑफ सेल्स। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेल क्रेडिटर कमीशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू, जो हमारा डेल क्रेडिटर कमीशन होता है कंसाइनर के बुक में वो कहाँ ट्रांसफर करते हैं, वो करते हैं अल्टीमेटली हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि डेल क्रेडिटर कमीशन क्या है हमारा, अल्टीमेट हमारा क्या है, ये लॉस है। अबनॉर्मल लॉसेज, अबनॉर्मल लॉस क्या है या अबनॉर्मल लॉस कहाँ ट्रांसफर होता है, डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, क्रेडिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट या नॉन ऑफ दिस। तो अबनॉर्मल लॉस कहाँ होता है हमारा, क्रेडिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट में होता है। जनरल एंट्री क्या होती है अबनॉर्मल लॉस की, अबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। देन जब हम अबनॉर्मल लॉस का अकाउंट सेटअप करते हैं या लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो तब एंट्री क्या होगी हमारी लास्ट वाली, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू अबनॉर्मल लॉस अकाउंट। कई बच्चे सोचते होंगे नहीं ये लॉस है ये कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट होगा, लेकिन डेबिट नहीं होता है, ये हमें कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ता है अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, और बाद में इसको हम अबनॉर्मल लॉस अकाउंट के थ्रू सेटअप करके इसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देते हैं। व्हेन द कंसाइनर सेंड्स गुड्स टू कंसाइनी, कंसाइनर प्रिपेयर्स, जब कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजता है तो कंसाइनर क्या प्रिपेयर करता है, तो कंसाइनर करता है परफॉर्म इन्वेस्ट में वो कंसाइनी को गुड्स भेजता है। व्हेन गुड्स आर सेंड टू ऑन कंसाइनमेंट फॉलोइंग अकाउंट इज क्रेडिटेड, जब कंसाइनमेंट में हम गुड्स भेजते हैं तो कंसाइनर की बुक्स में कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है, तो ये होता है गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होगा और गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा। डेल क्रेडिटर कमीशन इज कैलकुलेटेड ऑन, जो हम कमीशन देते हैं डेल क्रेडिटर कमीशन एजेंट को, वो कौन सी सेल पे कैलकुलेट करते हैं, वो करते हैं हम अपनी टोटल सेल पे। गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट इज नेचर ऑफ, जो हम कंसाइनमेंट में गुड्स सेंड करते हैं वो किस तरह का नेचर होता है, वो क्या होता है हमारा रियल अकाउंट। क्यों होता है रियल अकाउंट, क्योंकि वो हमारी क्या है असेट्स है। अबनॉर्मल लॉस ट्रांसफर टू, अबनॉर्मल लॉस हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, ये तो आप सबको ही पता होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि लॉस हमारा क्या है एक्सपेंस है, और एक्सपेंस हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं अपने पी एंड एल अकाउंट में। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इज रिकरिंग नेचर, रिकरिंग नेचर का कौन सा खर्चा होता है हमारा, कौन सा एक्सपेंस होता है, फ्रेट, क्लियरिंग चार्जेस, इंश्योरेंस और गोडाउन रेंट, तो ये क्या होता है हमारा गोडाउन रेंट होता है। रिकरिंग नेचर के खर्चे वो होते हैं हमारे जो हमारे बार बार होते हैं किसी प्रोडक्ट पे, जो हमारे बार बार जो खर्चे होते हैं एक बार से ज्यादा उन्हें क्या कहते हैं हम रिकरिंग नेचर, और किसी प्रोडक्ट पे जो एक्सपेंस हमारे एक ही बार यूज होते हैं उनको कहते हैं हम नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। तो फ्रेट क्या होगा हमारा, फ्रेट एक ही बार यूज होगा। क्लियरिंग चार्जेज, किसी गुड्स को हमने क्लियर कराया तो एक ही बार खर्चा होगा, बार बार तो होगा नहीं। इंश्योरेंस, क्लियरिंग में एक बार इंश्योरेंस देंगे हम, ट्रांजिट इंश्योरेंस एक ही बार होगा। गोडाउन रेंट तो उसे गोडाउन रेंट, तो ये क्या है हमारा रिकरिंग नेचर का, क्योंकि गुड्स तो हमें गोडाउन में रखने हैं, बार बार खर्चे करने पड़ेंगे हमें उस पर, तो इसीलिए गोडाउन रेंट एक बार का नहीं होता, ये हमें पूरे साल भर देना है उस प्रोडक्ट पे, चाहे वो प्रोडक्ट 2 महीने रहे 6 महीने रहे, तो इसको क्या बोलेंगे हम रिकरिंग नेचर का खर्चा। द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द इन्वेस्ट प्राइस ऑफ गुड्स इज नोन एज, कॉस्ट प्राइस और इन्वेस्ट प्राइस के बीच का जो डिफरेंस होता है, जो प्राइस का डिफरेंस है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं लोडिंग। हमारे क्या होता है कंसाइनर क्या है, कंसाइनर कंसाइनी को जब गुड्स भेजता है तो फॉर एग्जांपल के लिए ये हमारा गुड्स है, इसकी कॉस्ट है हमारी 5 रुपीज, और हमने कंसाइनर को जो कंसाइनी को जो भेजा गुड्स उसको ऐड करके अपना प्रॉफिट ऐड करके सपोज हमने भेजा 8 रुपीज पे, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 3। ये 3 क्या हो गया हमारा, अल्टीमेटली हमारा तो ये प्रॉफिट ही है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम लोडिंग। इस 3 रुपीज के डिफरेंस को क्या बोलेंगे हम लोडिंग। तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया और ये हो गया हमारा इन्वेस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस और इन्वेस्ट प्राइस के डिफरेंस को क्या बोलेंगे हम लोडिंग। अब इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कंसाइनमेंट अकाउंट में वो होता है नॉन रिकरिंग एक्सपेंस और रिकरिंग एक्सपेंस। ये एक्सपेंसेस हमारे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जब हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हम सिर्फ
नॉन रिकरिंग एक्सपेंस को ही कंसीडर करते हैं क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालने के लिए। तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं? ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड टिल द गुड्स रीच टू द कंसाइनी आर नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। जब क्या होता है, जब कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स ट्रांसफर करता है तो उस बीच में कंसाइनी के वेयर हाउस तक पहुंचने तक जितने भी गुड्स पे खर्चे होते हैं, जितने भी एक्सपेंस होते हैं, उन सब एक्सपेंस को क्या बोलते हैं हम? नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। जैसे हो गया हमारा पैकिंग, कैरिएज, डॉक ड्यूज, लैंडिंग चार्जेज, फ्रेट, इंश्योरेंस, ये तो हो गए हमारे कंसाइनर के खर्चे। और अब आते हैं हमारे कंसाइनी। तो कंसाइनी के एक्सपेंस कौन से होते हैं? अनलोडिंग चार्जेज, डॉक ड्यूज, इम्पोर्ट ड्यूटी। क्योंकि नॉन रिकरिंग मैंने बोला था, जो किसी प्रोडक्ट पे सिर्फ एक बार यूज करने पड़ते हैं जिन खर्चे को, उनको क्या बोलते हैं? नॉन रिकरिंग। बार बार वो खर्चे नहीं होते उस प्रोडक्ट में। तो हम जब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट में, तो हम इन सारे खर्चों को क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ऐड करते हैं। रिकरिंग एक्सपेंस आ गया, द एक्सपेंसेस पेड बाय द कंसाइनी आफ्टर रिसीविंग द कंसाइन्ड गुड्स आर नोन एज रिकरिंग एक्सपेंस। रिकरिंग एक्सपेंस क्या कौन से होते हैं? जब गुड्स, जो सारे गुड्स हैं, जब कंसाइनी के पास पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद जो भी खर्चा कंसाइनी उन गुड्स पे करेगा, जैसे कि स्टोरेज चार्जेज, इंश्योरेंस, ब्रोकरेज, एडवर्टाइजमेंट, सैलरी ऑफ सेल्समैन, एक्सपेंस ऑफ गुड्स रिटर्न कंसाइनमेंट, एक्सपेंस ऑन गुड्स रिटर्न, गुड्स डैमेज, ये सारे खर्चे क्या होंगे? ये होंगे हमारे रिकरिंग नेचर के। और कंसाइनर के रिकरिंग नेचर के कौन से हो गए? बैंक चार्जेज, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन डैमेजेज, गुड्स रिसीव बैक। तो ये सारे खर्चे क्या होते हैं? रिकरिंग एक्सपेंस होते हैं। थैंक यू बच्चों, आज के लिए